जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कारस्पार। स्वागत है एक और वीडियो में। सामने देखो नई नवेली स्विफ्ट खड़ी है दोस्तों। वेरिएंट भी टॉप एंड वेरिएंट लेके आए हैं हम आपके लिए, ZXI प्लस डुअल टोन और साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बहुत शानदार गाड़ी है, बहुत अच्छे लुक्स लग रहे हैं। पूरी गाड़ी का रिव्यू देखने वाले हैं इस वीडियो में, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा, कितने बेहतरीन फीचर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी कीमत से। कीमत की बात करें तो ZXI प्लस AMT डुअल टोन ट्रांसमिशन की कीमत 9,64,000 एक्सोरूम देखने के लिए मिलती है। दोस्तों बात करेंगे इसके इंजन की, तो देखो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, 80 bhp की पावर और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलेगा गाड़ी के अंदर। अगर माइलेज की बात करें तो 25.75 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने के लिए मिलता है। फ्यूल टैंक 37 लीटर का मिलेगा। उसके बाद अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो लंबाई आपको 3860 mm की मिलती है, चौड़ाई की बात करें तो 1735 mm की मिलेगी, ऊंचाई है 1520 mm की और गाड़ी का व्हील बेस है 2450 mm का। व्हील बेस में कोई भी अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जितना पहला था उतना ही मिलता है। गाड़ी के वेट की बात और कर लेते हैं, 925 किलो वजन आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करते हैं, फ्रंट से शुरू करते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो देखो सामने जो है DRL तो आपको दिख ही रहे होंगे कुछ इस तरीके से, ये है DRL और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाती है। नीचे ही आपको इंडिकेटर यूनिट मिलेगी, उसके नीचे आपको यहाँ पर फॉग लाइट मिल जाती है। अगर इस तरफ आ जाए तो देखो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको जो है ना ग्रिल मिलेगी देखने के लिए, बहुत शानदार ग्रिल लग रही है। सुजुकी का लोगो अब यहाँ पर आ जाता है और नीचे जो है ना स्पोर्टी लुक मिलेगा पूरा देखने के लिए। साइड की तरफ आ जाए तो देखो सबसे पहले टायर साइज की बात करेंगे, इसमें डायमंड कट एलॉय व्हील मिलेंगे और प्रोफाइल की बात करें 185/65 की 15 इंच का आपको यहाँ पर डायमंड कट एलॉय व्हील मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन रियर की बात करें तो वहां पर आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। इधर की तरफ आ जाए ऊपर की तरफ तो देखो ABC तीनों पिलर ब्लैक मिलेंगे, ब्लैक टेप्ड आउट मिलते हैं, पियानो ब्लैक में मिलते हैं, रूफ आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ORVM की बात करें तो ये भी आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगा, साथ में टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। इधर की तरफ आ जाए तो यहाँ पर डोर रुक के सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। पीछे की तरफ आए तो देखो यहाँ पहले जो डोर हैंडल आता था वो अब हट के जो है नीचे की तरफ आ गया है इस जगह पे। ठीक है, काफी अच्छा भी लग रहा है दोस्तों लुक वाइज। पीछे की तरफ आ जाए तो पीछे की तरफ देखिए यहाँ पर ये जो है टेल लाइट, ये देखिए सी शेप में आपको टेल लाइट मिलती है। यहाँ पर ये ब्रेक लाइट आपको 3 पॉइंट्स में मिलती है, उसके बाद यहाँ पर बैक लाइट मिल जाती है। उसके बाद देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहाँ पर स्विफ्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस तरफ देखें तो रियर वाइपर, डिफोगर और रियर वॉशर और यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है। रूफ आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगी। ऊपर की तरफ देखिए एंटीना इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएं तो देखो फ्यूल टैंक की बात करें, 37 लीटर कैपेसिटी का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है देखने के लिए। ये हो गया दोस्तों इसका ओवरऑल बाहर का प्रोफाइल। इस तरफ और देख लीजिए, यहाँ पर जो पैसेंजर साइड में हैंडल है इसके ऊपर भी आपको डोर रुक के सेंसिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब एक काम करते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं क्या कुछ और देखने के लिए मिलेगा। वैसे बाहर से तो बहुत ही अच्छा लुक और फीचर्स लग रहे हैं गाड़ी के। अब अंदर की तरफ आ जाते हैं तो करते हैं यहाँ से डोर को ओपन। ठीक है, और सबसे पहले डोर पे ही देख लो दोस्तों, चारों पावर विंडो मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल के ऑप्शन मिल जाते हैं ORVM के। यहाँ पर डोर हैंडल क्रोम में मिलेगा, ये आपको यहाँ पर एक सिल्वर गार्निशिंग मिल जाएगी, थोड़ी सी कुशनिंग मिल जाएगी। नीचे मैप पॉकेट मिल जाएगी, बॉटल होल्डर मिल जाएगा, एक स्पीकर यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए, ट्विटर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अगर यहाँ पर देखें तो ये देखिए AC वेंट का डिजाइन, उसके बाद नीचे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ऑटो कट ऑफ का बटन, हेडलाइट एडजस्टेबल और यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करना है और यहाँ से आपको जो है ना बोनट ओपन करना है। नीचे की तरफ पैडल देखें तो देखो डेड पैडल का ऑप्शन भी मिल रहा है और गाड़ी ऑटोमेटिक है तो ब्रेक पैडल और आपको रेस देखने के लिए मिलेगी। सीटिंग की बात करें तो यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल आपको इस वेरिएंट में देखने के लिए मिलता है। इवन चारों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है देखने के लिए। अब अंदर की तरफ बैठकर बात करते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। फ्यूल लेवल इज लो, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। ओके, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले इस जगह पर देखिए आप इसका जो है ये देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाए। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, साथ में फ्यूल गेज मिल जाता है। और इस तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर टैकोमीटर और टेम्परेचर मीटर देखने के लिए मिलता है, ऐसा कुछ मिलता है। बीच में MID मिल जाती है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। स्टीयरिंग पे बात करें तो देखो लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग मिलने वाली है, यहाँ पर फ्लैट बॉटम मिलेगी। उसके बाद ऑलमोस्ट सभी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इधर टेलीफोनिक कंट्रोल्स वगैरह मिलेंगे, इधर आपको ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। 3-spoke आपको स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। और अब यहाँ आ जाए तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका 9 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी को सपोर्ट करता हुआ ये देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर AC वेंट ऐसा मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा,
और यहाँ नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ एक 12 वोल्ट का सॉकेट और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। उसके बाद एक वायरलेस चार्जर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर दो कप होल्डर मिल जाते हैं। चाबी की बात कर रहे थे तो देखो भाई, ZXi वेरिएंट में चाबी आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, ये देख लीजिए, ये ऐसी आपको चाबी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो 5 स्पीड आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पर आ गई। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको ये ग्लो बॉक्स बड़ा सा मिल जाता है, ठीक है। कूल का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो कूल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो ये सिल्वर लाइनिंग आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर देखें तो देखो एक एयरबैग आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, और बाकी गाड़ी के अंदर जो है ना 6 एयरबैग आपको देखने के लिए मिलते हैं। सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखा है इस वक्त मारुति ने। यहाँ पर देखें तो देखो टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, डे नाइट वाला आपको IRVM मिल जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये लाइटिंग आपको येलो कलर में मिलती है, साथ में यहाँ पर आपको माइक के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ साइड में देखें तो देखो पैसेंजर साइड में आपको सनसेट के अंदर जो है वैनिटी मिरर मिल जाता है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं पीछे की तरफ आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही डोर ओपन करेंगे तो ये देखो भाई, पीछे लुक थोड़ा वैसे ही रहेगा। यहाँ पे ये जो है ना कुशनिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल्स मिल जाता है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको स्पीकर, बॉटल होल्डर मिल जाता है। पीछे की तरफ देखें तो देखो 3 पॉइंट सीट बेल्ट अब आपको दिख रही होगी, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिख रहे होंगे। और अगर पीछे बैठ कर बात करें ना तो यहाँ देखो ये एक स्पेशल चीज है दोस्तों, पीछे की तरफ आपको अब AC वेंट मिलेंगे। और यहाँ पर देखें तो देखो एक टाइप ए और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं तो चार्जिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये ऐसा कुछ आपको सेटअप मिलेगा। उसके बाद देखो पीछे की तरफ यहाँ पर देखो ये तो इस तरीके से मिल ही जाता है, सॉफ्ट टच के साथ में ग्रैब हैंडल। और यहाँ पर पीछे देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। पीछे से देखें डैशबोर्ड तो कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, तो डैशबोर्ड काफी अच्छा लग रहा है इस वक्त। ड्राइवर ओरिएंटेड रखा गया है, डैशबोर्ड को थोड़ा सा कर्व दे दिया गया है ड्राइवर साइड में, तो ये ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। अगर इसकी हाइट की बात करें आपको, अगर देखें यहाँ पर आपको कितना हेडरूम मिल रहा है तो आप देख सकते हैं, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 6 फीट हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हेडरूम पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें लेग रूम, तो देखो लेग रूम भी आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग काफी सही आपको लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है, तो ऐसा लेग रूम मिलेगा। अब एक काम करते हैं पीछे बूट की तरफ चलते हैं, बूट में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आते हैं पीछे की तरफ और करते हैं बूट को ओपन। ये देखो भाई यहाँ पर पार्सल ट्रे मिल जाती है और 265 लीटर कैपेसिटी का आपको जो है ना बूट स्पेस मिलता है। यहाँ पर देखें तो नीचे देखो स्पेयर व्हील वगैरह मिल जाएगा। स्पेयर व्हील के साइज की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको जो है 14 मिल रहा है, मतलब 1 इंच छोटा है। पीछे वाली सीट की बात करें 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। और यहाँ पर अगर टेलगेट को देखें तो टेलगेट को प्रॉपर कवर किया गया है, काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरीके का इसका पूरा प्रोफाइल, काफी शानदार लग रहा है। फ्यूल टेंट मैंने आपको बताई दी, सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब ज्यादा करेंगे तो मैं आपको इसका इंजन और दिखा देता हूँ, बोनट खोल के, कि आपको इंजन का प्लेसमेंट कैसा दिखेगा, ठीक है। तो करते हैं बोनट को। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका 3 सिलेंडर इंजन, काफी भरा भरा सा लग रहा है। जैसा इंजन पहले आता था लुक वाइज तो सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है, कहीं से लग नहीं रहा कि ये 3 सिलेंडर है। यहाँ से आपको वॉशर फिल करना है, बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एक चीज बहुत अच्छी है, ये जो पूरा बम्पर है नीचे से लेकर यहाँ तक एक सिंगल यूनिट में दे दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंसुलेशन सीट वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी, पीछे की तरफ भी आपको पूरी पैडिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगी। इवन नीचे की तरफ देखेंगे ना तो वहाँ भी आपको पूरा एरिया कवर होता हुआ दिखाई देगा। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों ये थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट ZXi प्लस डुअल टोन वेरिएंट। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।